नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने बयान दिया है। कोर्ट ने विविधता कार्रवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता गई है। कांग्रेस गैर लोकतांत्रिक बातें करती है, ऐसा अरुण साहब की तरफ से कहा गया है। तो राहुल गांधी को लेकर अरुण साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही राहुल गांधी की सदस्यता गई है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की विविधता कार्रवाई के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई है। सूरत के न्यायालय ने एक समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल वहीं मानहानि मामले में दोषी पाए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने कहा, तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत। इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकी फिर इतिहास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी मामले में सेबी से जांच कब कराएंगे, सारी कार्रवाई विपक्ष के लोगों के लिए है, इस देश में क्या 2 कानून है। जो भारत के कानून मंत्री हैं रिजिजू जी, वो बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जजों को ये कह रहे हैं कि कोर्ट है वो विपक्ष की भूमिका ना निभाए, इसका मतलब ये है न्यायालय को दबाव धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दबाव है, और राहुल जी यही बात कर रहे हैं, लगातार जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दबाने की कोशिश, उसे नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसका विरोध राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है लगातार। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे, जहां जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, पूर्व वन मंत्री महेश और रूप सिंह मंडावी, पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष निवास रावी मद्दी समेत तमाम नेता मौजूद रहे, जहां सीआरपीएफ की राइजिंग सेरेमनी जिले के 24 बीजेपी नेता शामिल हुए। इसके साथ ही अमित शाह से बस्तर में पार्टी के हालात को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बस्तर दौरे पर जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, एयरपोर्ट में उन्हें फूल माला दिए गए और साथ ही साथ सीआरपीएफ के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां पर फूल देकर गृहमंत्री का स्वागत किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगदलपुर पहुंचे थे गृहमंत्री और इस दौरान फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत सम्मान किया गया। चौरासवें स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत सम्मान एयरपोर्ट पर किया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत सम्मान किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृणाल मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मृणाल, किस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा रहा है, किस तरह से रहा है पूरा दौरा? जी हेलीकॉप्टर के दौरान वहां पे करणपुर गए थे, रात को वहीं पे उन्होंने विश्राम किया। सुबह 25 तारीख सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सीआरपीएफ का प्रोग्राम का काम चला, जिसमें जो केंद्र मंत्री द्वारा शहीदों के परिवारजनों को वीरता पुरस्कार मेडल दिया गया और विशेष और अधिकारियों को विशेष विशेष डिवीजन अलग अलग क्षेत्र से जो आए हैं राज्य से आए उनको भी पुरस्कार दिया गया। पार्टी बहुत कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ कि उनके द्वारा समापन किया गया इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 26 मार्च को छोरिया दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम कवर महोत्सव और विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में भाग लेंगे। हाईस्कूल मैदान में उनके आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में हेलीपैड बनाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से हेलीपैड हाईस्कूल मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्राम गृह को आगमन के बाद विश्राम गृह को आकर्षक बनाया जा रहा है। मोटरसाइकिल से 2 लाख की उठाईगिरी करने वाले दूसरे फरार आरोपी को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां एक व्यक्ति से 22 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग खाते से नकदी 2 लाख को अपने जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए निकाली गई थी। यह रकम हार्ड पर्स समेत अपने बाइक से सब्जी मार्केट गया था और जहां आरोपियों की ओर से 2 लाख और बैंक संबंधित दस्तावेजों की चोरी कर ली गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाईस फरवरी को कोतवाली थाना एरिया में मार्केट से 2 लाख की उठाईगिरी का मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें व्यक्ति ने मोटरसाइकिल में 2 लाख रखा था, तो उस मोटरसाइकिल की कैरियर से 2 लाख दो लोगों द्वारा उठाने की अपराध दर्ज हुआ है और इसमें लगातार विवेचना के बाद 3 मार्च को एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, सुनील नाम से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार ने प्रधानमंत्री की गरिमा को बार बार तार किया है। आज लोकसभा में सदस्यता को समाप्त किया, जिसके पलटवार में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकारी नहीं है, देश के हित के लिए प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के लिए विशेष पहल कर रहे हैं। गिने चुने लोगों में से आज राहुल गांधी हैं। देश के नागरिकों का योगदान देने वालों का, करोड़ों भारतीयों का अपमान करने वालों के विरुद्ध जब आवाज कोई नहीं उठा रहे थे, तो राहुल गांधी ने इस बात को कहा था। ये वे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पीने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए का बैंक से लोन लेकर गबन करने के बाद विदेश पलायन कर जाते हैं। आज जो देश में हम देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये वो फासिस्टवादी ताकतें जो सहन नहीं कर सकती, जो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उन्होंने अगर दिन को रात कह दिया तो कोई ये मत कह दे कि दिन है, रात को दिन कह दिया और किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो अभी रात है,
अपनी बात के विपरीत कोई भी बात करने वाले को जो स्वीकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुर्भाग्य से देश की बागडोर आज लगता है ऐसे हाथों में चली गई है जो एक के बाद एक और आज नहीं तो कल ही सच्चाई देशवासी समझेंगे। और राहुल जी का जो अदम्य साहस के साथ प्रयास है देश की संवैधानिक संरचनाओं को किसी तरह बचाने का, लोगों का ध्यान अंततः उस ओर आकर्षित होगा और देश में हमारे संविधान के तहत संवैधानिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं बच सकेंगी। बात चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजापुर की, जहां 24 मार्च को कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने भोपाल पट्टनम ब्लॉक के कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें तारा लागाडूडा स्थित पेटा केबिन के नया आयरन रिन्यूएबल प्लांट का अवलोकन किया, जहां बच्चों को आयरन युक्त पानी मिलने की जानकारी हुई, जिस पर त्वरित निर्देश देते हुए सोलर रिमूवल प्लांट लगाया गया, जिसमें अब आयरन युक्त पानी से निजात मिली है। यह प्लांट बिना विद्युत के कार्य करता है। ऐसे पोटा केबिन में 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। तो कलेक्टर ने क्षेत्रों का सघन चेकिंग की और इस दौरान आयरन रिमूवल प्लांट का अवलोकन भी किया। बता दें कि बीते दिनों ऐसी शिकायतें मिली थी कि बच्चों को आयरन युक्त पानी मिल रहा है, जिसके बाद इस प्लांट को लगाया गया है। वहीं पंचायत सचिवों के लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर नहीं होने से प्रदेश के 11,000 पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छोरिया के 118 ग्राम पंचायत के सचिव भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। सचिवों के हड़ताल में जाने से शासन के कई योजनाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी का काम बंद हो गया है। इसके साथ ही निराश्रितों को पेंशन भुगतान योजना, जन्म मृत्यु पंजीयन, मनरेगा, वर्मी खाद विक्रय, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास नरवा गुरवा योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन समस्त निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। छुरिया में मां दंतेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति छुरिया में विधि विधान वैदिक रीति रिवाज से मां दंतेश्वरी मां शीतला मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया गया। मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ देखी गई। सुबह से दोपहर तक मौसम खराब होने के चलते शाम को मौसम के साफ होते ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के राहुल तिवारी ने विधि विधान से आस्था ज्योति को प्रज्वलित किया। अध्यक्ष रितेश जैन, नरेंद्र तिवारी, सुदेश पटेल, संजीव गुप्ता, राधे श्याम शर्मा, घनश्याम भास्कर उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 230 बटालियन ने नागरिक सामंजस्य कार्यक्रम दिनेश सिंह चंदेल कमांडेंट 230 बटालियन के नेतृत्व में रेंजनार और गामवाड़ा गांव में आयोजन किया गया। दोनों गांव के नक्सल प्रभावित और पिछड़ा इलाका होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण नागरिक आधुनिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए टिफिन, साड़ी और बारिश से बचाव के लिए छातों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 600 लाभार्थी उपस्थित रहे। कमांडेंट ने उपस्थित लोगों को सरकार अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही माओवादी हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान भी किया। हाल ही में समापन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दंतेवाड़ा में विशेष भर्ती की, जिसके अंतर्गत सैकड़ों युवक भर्ती होने के बाद अपनी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती मुख्यतः उन इलाकों में होती है जहां शांति व्यवस्था को बहाल करना हो, लेकिन जब हमारी तैनाती होती है तो हम दो आयामों में कार्य करते हैं। पहला आयाम कि शांति सुरक्षा वापस आए, उसकी बहाली हो। दूसरा, हम लोग जो भी भारत की सरकार की, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे। आपने देखा होगा हम लोग पिछले कई दिनों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे टिफिन है, साड़ियां हैं, छाते हैं, रेडियोज हैं, ये सब हम वितरित करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं हम वो चीज ग्रामवासियों को दे पाए जिनकी उनको जरूरत है। वहीं कोंडागांव जिले के फरस गांव ब्लॉक मुख्यालय में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने कोविड टीकाकरण राशि नहीं मिलने से फरस गांव बीएमओ कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ कोंडागांव के जिलाध्यक्ष राज सुखिया ने बताया कि जनवरी 2020 से कोविड टीकाकरण का कार्य पूरा विकासखंड में युद्ध स्तर से चल रहा था, जिसमें संपूर्ण टीकाकरण कार्य स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, सीएचओ और एनएचएम द्वितीय एनएम एएनएम और दिन रात कोविड टीका घर घर जाकर लगाया गया। इसमें संबंधित बीएमओ से मौखिक भुगतान के संबंध में भुगतान के लिए निवेदन किया गया, लेकिन आज तक सरकार ने भुगतान नहीं किया, जिससे हर कर्मचारी को 70 से 80 हजार का आर्थिक नुकसान हुआ है। आज का जो आरएचओ लोगों का जो हल्ला बोल हुआ है वो कोविड का जो इंसेंटिव के लिए हुआ है, 2 साल का उनका कोविड का इंसेंटिव नहीं मिला करके। तो मेरे पास, मैं चार्ज देके 4 महीना हुआ है, मेरे पास फरवरी में उन लोगों का मांग पत्र आया है, उसके हम लोग एस्टिमेशन वगैरह सब कैलकुलेट करके जिला में भेज दिया है। 10 लाख मांग करे हैं, वो 10 लाख यहाँ रिलीज होने से हम लोग उनको पे करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। उपद्रव सेठिया है, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ। आज हम लोग बीएमओ कार्यालय का घेराव किया है, क्योंकि इससे पूरा हम लोग कोविड का जो टीकाकरण का कार्य है बहुत ही अच्छा तरह से किया है, सबको 100% यहाँ पे हम लोग काम किया है, फरसगांव ही नहीं पूरे जिला में। और उस कोविड का जो कार्य करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए पैसा मानदेय प्रोत्साहन राशि आया हुआ था, 2 साल होने के पश्चात भी हमारे कर्मचारी लोग को वह प्राप्त नहीं हुआ है। पूरे शासन की गाइडलाइन के अनुसार वेरीफायर कराती है, भोजन कराती है, भीड़ प्रबंधन की राशि है, बहुत राशि प्राप्त हुई है शासन स्तर से जिला में, लेकिन उसको आज तक के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। और जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जाकर पता लगाया गया तो वहां तो बोला जाता है कि हमने राशि 10 लाख रुपए पहले भेज दिया है सभी ब्लॉकों में, किसी ब्लॉक में 15 लाख रुपए भेज दिया है, किसी ब्लॉक में 8 लाख भेजा है, किसी ब्लॉक में 16 लाख भेजा है, इस प्रकार की जानकारी सीएमएचओ ऑफिस से दिया गया। और आज यहाँ पर हमने फरसगांव के ब्लॉक में आकर के पता किया तो इस प्रकार की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई बोल के हमको दोनों तरफ से गुमराह किया जा रहा है। वहीं पंचायत सचिवों को मांगों को लेकर शासकीयकरण पूर्ण नहीं होने से प्रदेश के 11,000 पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में जनपद पंचायत मोहला के 57 ग्राम पंचायत के सचिव भी हड़ताल में बैठ गए हैं। सचिवों के हड़ताल में जाने से शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी का काम बंद हो गया है। इसके साथ ही निराश्रितों की पेंशन भुगतान योजना समेत सभी निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। यदि हमारा मांग पूरा धन 16 मार्च से एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल में सब बैठे हुए हैं, क्योंकि माननीय पंचायत मंत्री महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि बजट सत्र में आपका मांग पूरा हो रहा है, बजट सत्र के इंतजार करते रहे। जिस दिन हमारा 6 मार्च को बजट सत्र में हमारा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से पूरा छत्तीसगढ़ लेवल में सभी सचिव रुष्ट होकर के अपना एक सूत्री मांग शासकीकरण को लेकर के बैठे हुए हैं। हमें शासन का संपूर्ण विभाग का काम करना पड़ता है। मोहला विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। मोहला विकासखंड में गुरुवार को इसकी शुरुआत कट्टापार से होते हुए धनगढ़ से पहुंची। यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर ग्रामीणों को संबोधित किया गया, लोगों को सरकार की योजनाओं से संबंधित पैम्पलेट पर्ची और विकास योजना की बुक दी गई। संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ कृष्ण ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लगातार इस अभियान में शामिल होकर प्यार बांटने का कार्य कर रहा है, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। इस यात्रा को लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सरकार की एक एक योजना अंतिम व्यक्ति तक
आसानी से पहुंच रही है, जो अति लाभकारी है। उसमें ये होगा कि जो यहाँ हमारे गांव क्षेत्र की जो महिला स्व सहायता समूह है उनको यहाँ पे वो ठेले मतलब जो है ना, जैसे गुपचुप का है, डोसा का है और चाउमीन का है और पनीर चिल्ली है, बर्फ गोला है, आइसक्रीम है, उनको दिया जाएगा कैंटीन, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में एक सुधार होगा और उनको रोजगार मिलेगा। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बीजेपी कार्यालय परिसर पहुंचे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसियों ने कालिख फेंका और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर रायपुर में बीजेपी कार्यालय परिसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पर कालिक भी फेंकी गई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झड़प देखने को मिली। हालांकि वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर पर कालिक फेंकी गई है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का इसी को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार का षड्यंत्र है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष का आवाज दबाने का केंद्र सरकार काम कर रही है, इसको लेकर हम आगे जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी के लिए अब छत्तीसगढ़ से रास्ता खुलेगा। हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार काम नहीं होना चाहिए। आदरणीय राहुल जी देश के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात कहते हैं, आप सत्य को इस प्रकार से रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच अप्रजातांत्रिक है। आगे कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार करेगी? अब हाईकमांड का आज बैठक है, जो फैसला होगा हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के आरोप के बारे में मैंने कहा ना, अप्रजातांत्रिक है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जो है वो रणनीति है, वो अब कांग्रेस पार्टी जो है 5 बजे बैठक करेगी और बैठक करने के बाद जो रणनीति तैयार करेगी, आगे क्या करना है अब देखना ही होगा कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसको वो क्या कैसे होगा या फिर आगे क्या होगा उसको देखने के लिए हमारे साथ बनी आरएनडी न्यूज के साथ रायपुर से रायपुर से नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय एकात्मना परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के पोस्टर पर कालिख भी फेंकी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसको लेकर ब्यूरो चीफ चित्रा
चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।